गुड इवनिंग। ये मेरे कटिंग्स लगाए हुए कुछ गुलदाब्दी के पौधे हैं इस तरह से, और उस साइड भी बहुत सारे हैं। इनकी कटिंग तो मैंने बहुत पहले लगाए थे, जब इनमें जड़ आ गए तब मैंने इन्हें बड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिए हैं, पर अब इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। पॉट की मिट्टी में तो मैंने कॉडंग कंपोस्ट डाले थे, पर अब इन्हें स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो मैं पहले आज इनकी कुराई कर लेती हूँ। फर्टिलाइज़र देने के पहले कुराई करना भी ज़रूरी है, तो आज मैं पहले सबसे पहले मैं इन सब की कुराई कर लेती हूँ। हल्के हाथों से पौधे को बचाकर इस तरह से मैं अपने सारे प्लांट्स की कुराई कर लूँगी। इन सारे प्लांट्स की कुराई तो हो गई। अब अभी शाम का वक्त है, मैंने इनके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र की तैयारी की हुई है। इनकी जड़ को मजबूत करने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये अभी पौधे नन्हे नन्हे हैं, इनकी एक बार पिंचिंग मैंने कर दिए हैं, जल्दी ही इनमें दो तीन ब्रांच तैयार हो जाएंगे। ये पानी में मैंने प्याज के छिलके डाल दिए थे फूलने के लिए। इसमें काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन होता है, जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पत्तियाँ इनकी पौधों की बहुत हरी भरी और स्वस्थ रहती हैं। तो मैं इन प्याज के छिलकों को निकाल लूँगी, अच्छे से साफ कर लूँगी सारे पत्तों को। सारे पत्ते साफ हो गए। अब मैं इनमें थोड़ी सी ये सरसों खली डालने वाली हूँ। ये इतनी सरसों खली मैंने डाल दी है, 100 ग्राम के करीब। अब थोड़ी सी मैं ये देखिए, ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, जो कि ग्रैनुअल्स में आते हैं, इन्हें भी मैं डालने वाली हूँ। ये इस तरह से ये कम से कम दो मुट्ठी मैं डालूंगी, एक वो और एक ये, बस काफी है इतना। तो ये रात भर पानी में भींगेंगे, फिर सुबह में इनकी अच्छी लिक्विड तैयार हो जाएगी, तब मैं पौधों में डालूंगी। ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया और ये अच्छी तरह से पानी में फूल गया है। अब इसमें मैं थोड़ी और पानी मिला देती हूँ, ताकि थोड़ा पतला हो जाए। गर्मी में सरसों खली एक दिन में तैयार हो जाता है, विंटर में कम से कम 4-5 दिन पानी में रहने के बाद ही वो तैयार होता है। सरसों खली पौधों की ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और प्याज का छिलका, जो कि मैं इसमें एक दिन के लिए अच्छे से फुला कर रखी हूँ, वो तो अच्छा होता ही है। उसमें बहुत अच्छे नाइट्रोजन होते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा है। साथ में मैंने इसमें सीवीड के ग्रैनुअल्स भी डाले थे, जो कि समुद्र की तल में पाए जाने वाले शैवाल, वनस्पति इत्यादि को प्रोसेस करके बनाया जाता है, और काफ़ी रिच फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। इसमें बहुत सारे बैलेंस केमिकल होते हैं, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस तरह से तीन तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को मिलाकर मैंने ये लिक्विड तैयार किए हैं,
जो कि काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इन्हें थोड़ी थोड़ी करके सारे पौधों में डाल दूँगी। कुछ दिन में ही ये पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र आप भी बनाएं और अपने इस अभी जो गुलदाब्दी की कटिंग लगाए हैं आपने, उसके अच्छी ग्रोथ के लिए अभी बनाकर गुलदाब्दी में डालें और इनकी अच्छी ग्रोथ लें। इन्हें बहुत ही जल्दी ग्रोथ भी लेना होता है ताकि इनकी अच्छी सी प्रूनिंग हो सके और ये काफ़ी अच्छे से फैल जाएं, ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बने और ज़्यादा से ज़्यादा फूल तैयार हों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।